बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, विच इज अबाउट डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में अभी तक हमने डिस्कस किया कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है डाटा लिंक लेयर की, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एरर डिटेक्शन की कुछ टेक्निक्स हमने पढ़ी, जिसमें सीआरसी इंक्लूडेड है, चेकसम इंक्लूडेड है, सिंगल वैलिडिटी चेक हमने डिस्कस किया, हमने हैमिंग कोड को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। पहले हम ये देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और फिर हम देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो मल्टीपल एक्सेस लिंक्स होते हैं, वो ऐसे लिंक्स होते हैं जिनमें एट अ टाइम मोर देन वन पीसी या मोर देन वन नोड अपना डेटा जो है वो सेंड करना चाह रहे होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के लिंक्स मौजूद हैं एक नेटवर्क के अंदर, एक को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक और दूसरे को हम कहते हैं शेयर्ड लिंक या हम ब्रॉडकास्ट लिंक कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक बेसिकली क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक स्विच है और एक स्विच से एक हमारे पास पीसी से एक स्विच के दरमियान में जो लिंक है, ये हमारे पास कहलाएगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सिर्फ ये पीसी ही भेजेगा और कोई ऐसा नोड नहीं है जो इस मीडियम को शेयर कर रहा होगा। ब्रॉडकास्ट जो आपके पास मीडियम होता है या ब्रॉडकास्ट लिंक, वो लिंक होता है जिससे डेटा एक से ज्यादा पीसी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास वायरलेस डेटा जो वायरलेस लैन होती है उसके अंदर मेरे पास अगर चार नोड्स हैं तो चार नोड एक ही वायरलेस मीडियम को यूज करते हुए अपना डेटा सेंड कर रही होंगी। तो वहां पे चांस क्या होता है कि हमारे पास डेटा कोलिजन का चांस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे ब्रॉडकास्ट मीडियम के अंदर किसी ऐसे प्रोटोकॉल की या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है जो कि हमारे डेटा को कोलिजन से बचा सके। आप एग्जांपल लें कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अगर आप टीचर से कोई सवाल पूछे और सारे स्टूडेंट एक साथ बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा, अल्टीमेटली किसी की बात भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर एक शेयर्ड मीडियम के अंदर छह नोड्स बैठी हुई है और हर नोड अपना डेटा सेंड करना शुरू कर दे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो क्या होगा कि आप वो छह नोड जो है उनका डेटा कोलाइड कर देगा और किसी का डेटा भी डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये मेन मोटिवेशन है फॉर डेवलपिंग और डिजाइनिंग मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में एक शेयर्ड मीडियम होता है, ठीक है, और दो या दो से ज्यादा आपके पास जो नोड्स होती हैं वो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है और कोलिजन होती है, और कोलिजन की वजह से आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, सो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या है, बेसिकली आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम चाहिए जो कि ये चीज डिटरमिन कर सके कि कौन सी नोड कब आपका जो चैनल है वो यूज करेगी। ठीक है, कि कौन सी नोड कब अपनी ट्रांसमिशन करेगी और उस वक्त कौन सी दूसरी नोड खामोश रहेगी। जैसे कि टीचर बताता है कि इस वक्त फलां बच्चा बोले, बाकी खामोश रहे। ठीक है, तो टीचर यहाँ पे एक ऐसा नोड है जो कि कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हम जब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स डिजाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एल्गोरिदम डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, किसी एक नोड के पास ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए जो कि बाकियों को खामोश करा सके। ठीक है, सो कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन अबाउट द चैनल शेयरिंग मस्ट यूज द चैनल इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है कि कौन कब कम्युनिकेट कर रहा होगा, ये भी कहाँ पे आपकी ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन, ये भी उसी चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होगी जिसमें आप डेटा शेयर करेंगे। सो देयर इज नो आउट ऑफ बाउंड चैनल फॉर द कोऑर्डिनेशन, कि जो आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ना कि अब ये सेंड करें डेटा, अब ये सेंड करें, इसके लिए भी कोई सेपरेट चैनल नहीं है, यही चैनल है जो कि बाकी नोड शेयर कर रही है। सो देयर आर चांसेस कि ये जो आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन है ये भी कोलाइड करके जो है वो करप्ट हो जाए। ठीक है, सो जो आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है उनके अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट चैनल होता है जो कि हमारे पास मल्टीपल नोड शेयर कर रही होती है। लेट सपोज उसका जो डेटा रेट है वो आर बिट पर सेकेंड है। ठीक है, हमारा डिजरेटा क्या है, बेसिकली डिजरेटा इज द नीड और आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली व्हेन वन नोड want to transmit, it can send at our rate. अगर एक ही नोड है तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा लिंक उसका है, वो जैसे मर्जी डाटा को सेंड करे, जिस स्पीड पे सेंड करे उसकी choice पे। लेकिन जब आपके पास m नंबर ऑफ नोड्स होती है सेम चैनल की, सेम चैनल को एक्सेस करने वाली, तो हर जो आपकी नोड है उसको एवरेज डाटा रेट मिलना चाहिए, दैट इज आर बाय एम। की हर नोड को आर बाय एम डाटा रेट मिनिमम मिलना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करें कि हम आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा जो प्रोटोकॉल है वो फुली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया
कि कोई ऐसी नोड नहीं होनी चाहिए जिसके पास स्पेशल पावर हो जो कि कोऑर्डिनेट करके ये बताए कि आप अब डेटा सेंड करो या ये नोड अब डेटा सेंड करे। जैसे कि मैंने क्लास का सिनेरियो बताया, उसमें टीचर एक स्पेशल नोड है जो कि बताती है कि अब ये स्टूडेंट बोलेगा या अब ये स्टूडेंट बोलेगा। तो हम जो आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर हम ऐसी कोई नोड नहीं सेट करते कि जो हमें ये बताए कि अब इस नोड ने डाटा सेंड करना है या अब इस नोड ने डाटा सेंड करना है। रीजन इसकी क्या है कि अगर वो नोड करप्ट हो गई या वो नोड डाउन हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू सिंक्रोनाइज मल्टीपल स्लॉट। तो आपके यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज रखने का उसको तरीका वजह क्या थी कि आपके पास कोई सिंक्रोनाइजेशन की क्लॉक्स नहीं होती कि अब ये डेटा सेंड करेगा तो इतने बाद। अब जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि तीन नोड्स हैं वो डेटा सेंड करते हैं, तो कब पता चलेगा हर दूसरी नोड को कि अब उसका टाइम आ गया ठीक डेटा सेंड करने का। तो अगर वो सिंक होंगी तब भी पता होगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि वो आपस में ये डेटा भी शेयर करें, तो हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो कि सिंक्रोनाइजेशन भी ना करते हो। और फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि वो सिंपल होने चाहिए, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। सो जो मैप प्रोटोकॉल्स की टेक्सोनॉमी है या क्लासिफिकेशन है वो तीन ब्रॉडर क्लासेस है। पहला, जिसमें चैनल को पार्टीशन कर दिया जाता है, आर बिट का आपका चैनल है उसको पार्टीशन कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, रेंडम एक्सेस, कि रेंडमली पूरा चैनल किसी को दे दिया जाए और फिर दूसरा वेट करे। तीसरा है टेकिंग टर्न्स का, ठीक है। चैनल पार्टीशनिंग में क्या है, बेसिकली आप चैनल को स्मॉलर पीसेज में डिवाइड कर देते हैं और वो पीसेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हो सकते हैं और कोड भी हो सकते हैं, ठीक है। एलोकेट पीस ऑफ द टू द नोड फॉर एक्सक्लूसिव यूज। अब ये जो आपके पास पीस होगा जो आपने मल्टीपल, लेट्स सपोज ये आपका चैनल था, ठीक है, आपने इस चैनल को चार पीसेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3 and 4। तो ये जो आपका एक पीस है ये कोई भी नोड जो है वो एक्सक्लूसिव यूज कर सकती है, ये उसी का है, ठीक है। रेंडम एक्सेस में क्या होता है, चैनल डिवाइड नहीं किया जाता, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन जो है वो बढ़ जाती है, रिकवरी जो है वो कोलिजन से की जा सकती है बाय रीट्रांसमिशन और ईदर केस, हम आगे देखेंगे उनको किस तरह से। टेकिंग टर्न्स क्या है, बेसिकली कि नोड जो है वो बारी बारी अपना डेटा सेंड करती है, बट नोड्स विद मोर टू सेंड कैन टेक लॉन्गर टर्म्स। तो इसका एक यहाँ पे नुकसान भी है कि टेकिंग टर्म्स में क्या है कि मेरे पास अगर लेट्स सपोज 256 KB डेटा है और दूसरी नोड है उसके पास 2 GB का डेटा है, तो ऑब्वियसली उसका डेटा सेंड होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मेरी टर्न कुछ टाइम के बाद आएगी। जब मैंने टर्न थी तो मैंने थोड़ी टाइम के लिए अपने पास चैनल को रखा, जब उसकी टर्न आई तो उसने चैनल को अपने पास ज्यादा टाइम के लिए ऑक्यूपाई रखा, ठीक है। तो ये टेकिंग टर्न्स का एक डिसएडवांटेज है। स्टार्ट करते हैं चैनल, जो हमारे पास चैनल पार्टीशनिंग की टेक्निक है उससे। चैनल पार्टीशनिंग की टेक्निक में जो पहली टेक्निक है, इट इज नोन एज टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब कि आप जो चैनल को डिवाइड करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, टाइम की बेस पे करते हैं। एक्सेस टू द चैनल्स इन राउंड, ठीक है, राउंड ऑफ टाइम, कि इतने टाइम के लिए इस नोड को मिलेगी, इतने टाइम के लिए इस नोड को मिलेगी, इतने टाइम के लिए इस नोड को मिलेगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे जो एक नेटवर्क है इसके अंदर 6 नोड्स है, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये नेटवर्क है, इसके अंदर टोटल 6 नोड्स है। अब इसका मतलब है कि हर नोड को चैनल चाहिए, तो आपने क्या किया, इस चैनल को 6 नोड्स में डिवाइड कर दिया, और वो किस बेसिस पे आपने किया, टाइम की बेसिस पे, ठीक है, कि ये हमारे पास लेट्स सपोज टाइम था तो आपने इसको 6 equal times में डिवाइड कर लिया। आप कहते हो पहला ये जो आपके पास ब्लू है ये नोड 1 इस टाइम में डेटा सेंड करेगी, इस टाइम में नोड 2 डेटा सेंड करेगी, इस टाइम में नोड 3 डेटा सेंड करेगी, इस टाइम में नोड 4, इस टाइम में नोड 5 और इस टाइम में नोड 6। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारे पास नोड 2 है, नोड 5 है और नोड 6 है, ये अपना डेटा, इनके पास डेटा है ही नहीं। लेट सपोज इनके पास डेटा है ही नहीं, तो क्या होगा, इनका जो टाइम है वो जाया जाएगा, आपका चैनल जो है वो विच इज रिसोर्स, ठीक है, तो वो रिसोर्स आपका अनयूज चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ईच स्टेशन गेट अ फिक्स लेंथ स्लॉट इन ईच राउंड, ठीक है, ये राउंड 1 था, तो राउंड 1 में हर नोड को कुछ फिक्स स्लॉट मिली है, इसी तरह से राउंड 2 में भी उसे स्लॉट मिलेंगी। हर स्लॉट के अंदर डेटा सेंड किया जा सकता है, लेकिन 6 स्टेशन में से यहाँ पे लैन 1, 3, 4 डेटा सेंड कर रहे हैं, बाकी 2, 5 and 6 डेटा सेंड नहीं कर रहे, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो अनयूज स्लॉट्स है वो आइडल जा रही है, वो रिसोर्स आपका किसी काम नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है टेक्निक, इट इज फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस। क्या फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिविजन कर दो कि ये फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसकी आप
जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हें डिवाइड कर दो कि जो नोड वन है वो ये फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, नोड टू ये फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, नोड थ्री ये फ्रीक्वेंसी यूज करेगा. तो हर जो आपके पास नोड है उसको एक फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी जाती है. इसका भी नुकसान क्या है कि अनयूज जो आपके पास ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन टाइम है, वो आपके पास उसके लिए जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड भी आइडल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, 3 और 4 ये वो हैं जिनके पास पैकेट है, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी 2, 5 और 5 एंड 6 ये आपके पास आइडल जा रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है. तीसरी टेक्निक क्या है हमारे पास, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि हर नोड के पास एक डिफरेंट कोड होता है. ठीक है, और उस कोड पे डिपेंड करता है कि कौन से यूजर को कौन कौन से यूजर आपके साइमल्टेनियसली अपने जो है वो चैनल के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं और कौन जो है वो इस वक्त ट्रांसमिट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास है चैनल पार्टीशनिंग की टेक्निक. अब हम आते हैं अपनी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पे. रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी किसी नोड के पास पैकेट होगा वो उस पैकेट को अपनी फुल डेटा रेट पे सेंड कर सकता है. ठीक है, इसके लिए कोई प्रायर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको ये डिटेक्ट कर देखना है कि आपका जो अगर कोलिजन हो जाती है तो क्या होगा, उससे रिकवर कैसे करना है. ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं व्हेन नोड हैज अ पैकेट टू सेंड, ठीक, तो क्या होगा, ट्रांसमिट इट एट फुल डेटा रेट और नो अ प्रायर कोऑर्डिनेशन अमंग दी नोड. इसके नतीजे में क्या होगा, टू और मोर नोड ट्रांसमिटिंग एट द सेम टाइम, इट रिजल्ट इन दी कोलिजन ऑफ द डेटा. ठीक है, सो रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ टू डिटेक्ट द कोलिजन. ठीक है, कि अगर कोलिजन हो जाती है तो किस तरह से डिटेक्ट करना है उनको और किस तरह से उन कोलिजन को रिकवर करना है, बी इट थ्रू रीट्रांसमिशन और एनी अदर टेक्निक. ठीक है, अगर एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हम देखें तो हमारे पास है स्लॉटेड अलोहा, अलोहा, सीएसएमए सीए, सीएसएमए सीडी एंड सीएसएमए सीए. ठीक है, इन सारों को हम डिस्कस करते हैं आगे डिटेल में कि इनका क्या मतलब है और क्या किस तरह से ये काम करते हैं. स्लॉटेड अलोहा बेसिकली क्या है, पहले मैं रैंडम एक्सेस एक दफा दोबारा से आपको समझा दूं. रैंडम एक्सेस क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे दो नोड्स हैं, ठीक है, और ये इनका दरमियान में शेयर्ड मीडियम है. ठीक है, हम इसको वायरलेस मीडियम कह देते हैं. ठीक, अब नोड वन के पास भी डेटा है और नोड टू के पास भी डेटा है. ठीक, और इन्होंने अपना डेटा भेजना है, तो क्या होगा, यहां से भी पैकेट ओरिजिनेट हुआ और यहां से भी आपका एक डेटा पैकेट ओरिजिनेट हुआ. अब जब ये पैकेट इस शेयर्ड मीडियम में आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि ये आपका डेटा जो है वो कोलाइड कर जाए. तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या कहते हैं कि अगर डेटा कोलाइड हो जाएगा तो आपने किस तरह से कोलिजन डिटेक्ट करनी है और किस तरह से उन्हें रिकवर करना है, ये वो बताते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं स्लॉटेड अलोहा. स्लॉटेड अलोहा क्या है, बेसिकली अजम्पशन पहले देख लेते हैं. अजम्पशन क्या है कि जितने भी आपके फ्रेम है वो इक्वल साइज के फ्रेम है. ठीक है, क्योंकि हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो यहाँ पे इसे हम पैकेट नहीं बल्कि फ्रेम कहेंगे. टाइम जो है वो आपका, इसको हमने इक्वल स्लॉट में डिवाइड कर दिया है. टाइम बेसिकली क्या है, टाइम टू ट्रांसमिट अ फ्रेम, कि हर नोड के पास एक अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें वो अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं इनिशियल जो 5 सेकेंड है हर नोड के पास टू ट्रांसमिट डेटा, और उसमें वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते. नोड स्टार्ट टू ट्रांसमिट ओनली इन द स्लॉट बिगनिंग. ठीक, अगर 5 सेकेंड है तो वो फिर 5 सेकेंड के स्टार्टिंग वाले में अपना डेटा सेंड कर सकती है. अगर 5 सेकेंड, लेट्स सपोज हम कहते हैं स्टार्टिंग टू, पहले 2 सेकेंड में वो डेटा सेंड कर सकती है, अगर उसने 2 सेकेंड में डेटा सेंड ना किया तो वो अपना डेटा जो है वो सेंड नहीं करेगी. नोड्स आर सिंक्रोनाइज, अब नोड जो है वो सिंक है आपस में, कि अगर वो डेटा पहले 5 स्लॉट में ये डेटा सेंड कर रही है नोड वन, तो नोड टू उस वक्त डेटा सेंड नहीं करेगी. इफ टू और मोर नोड ट्रांसमिट इन अ स्लॉट, ऑल नोड डिटेक्ट कोलिजन. लेट सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास नोड वन थी और नोड टू है. ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी स्लॉट थी डेटा डिटेक्ट सेंड करने की. ठीक है, इसके पास क्या था, इसके पास 5 सेकेंड से टू सेंड डेटा. ठीक है, सिमिलरली इसके पास भी थे 5 सेकेंड टू सेंड डेटा, लेकिन हमारे पास स्लॉटेड अलोहा क्या कहता है कि 5 सेकेंड में से भी आपने सिर्फ इनिशियल कुछ सेकेंड में आपने डेटा सेंड करना है, जो आपकी स्लॉट आपको असाइन की गई है उसके भी सिर्फ बिगनिंग में आप डेटा सेंड कर सकते हो. ठीक है, सो इसके बिगनिंग में इसने सेंड नहीं किया बल्कि इसने इसके एंड पे डेटा सेंड किया, सो मीन वाइल क्या होगा, ये भी डेटा जो है वो सेंड करना स्टार्ट कर देगा, तो देयर आर चांसेस कि आपका डेटा जो है वो कोलाइड कर जाए. तो अगर कोलिजन होगी तो इसे भी पता चलेगा, नोड वन को भी पता चल जाएगा और नोड टू को भी पता चल जाएगा मेरा डेटा जो है वो कोलाइड हो गया. ठीक है,
तो ऑपरेशन कैसे होता है, व्हेन नोड ऑब्टेन्स द फ्रेम ट्रांसमिट इन द नेक्स्ट स्लॉट, इफ नो कोलिजन नोड कैन सेंड द न्यू फ्रेम इन द नेक्स्ट स्लॉट एंड इफ देयर इज कोलिजन देन यू हैव टू रीट्रांसमिट इन द नेक्स्ट स्लॉट। ठीक है, स्लॉटेड अरोहा का ऑपरेशन ये है। ठीक है, नोड 1 2 एंड 3 है, ठीक, ये टाइम स्लॉट डिवीजन की गई है, सिर्फ आपने अपना डेटा जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम स्लॉट सेंड करना है। ठीक, अगर आपके पास वो टाइम स्लॉट का स्टार्टिंग गुजर गया तो आप अपने डेटा को डेफर कर देंगे, उसे सेंड नहीं करेंगे। सही, अच्छा, प्रोज क्या है, एडवांटेजेस क्या है आपके, कि सिंगल एक्टिव नोड कैन कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट एट द फुल रेट। ठीक, highly decentralized only slots in the node need to be synced. अब हम जो बात करते हैं कि हमारा ideal जो protocol है medium access का protocol वो decentralized होना चाहिए, इसका मतलब है कि ना कोई node हो जो कि orders दे रही हो कि अब ये data send करो अब ये node data send करे, ना ही कोई synchronization हो रही हो। तो इस case के अंदर आपके पास कोई ऐसी node नहीं है जो कि बता रही हो कि अब इस node ने data send करना है, लेकिन इसके अंदर synchronization की आपको जरूरत पड़ेगी। And it is a simple protocol, which is कि आपने सिर्फ अपनी स्लॉट असाइन स्लॉट की स्टार्टिंग में डाटा सेंड करना है, अगर आपसे वो स्लॉट मिस हो गई है तो आप अपने डाटा को रोक लें, आप डाटा नहीं सेंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम है स्लॉटेड अरोहा का। इसका जो नुकसान है वो क्या है कि कोलिजन हो सकती हैं और वेस्टिंग स्लॉट हो सकती है, कि आपने लेट्स सपोज पहली 5 सेकंड में से पहले 2 में नहीं भेजा तो ये आपकी स्लॉट पूरी की पूरी जो है वो फ्री हो जाएगी, आप इसमें भी सेंड नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होगा, स्लॉट जो है वो वेस्ट होंगी, आइडल स्लॉट भी जनरेट हो सकती हैं और नोड्स में भी एबल टू डिटेक्ट द कोलिजन इन लेस देन द टाइम टू ट्रांसमिट द पैकेट। ठीक है, कि आपने पैकेट ट्रांसमिट नहीं किया उससे पहले ही आपको ट्रांसमिट करने के कुछ टाइम के बाद ही आपको पैकेट जो कोलिजन है डिटेक्ट हो गई है, तो अब क्या होगा, आपके पैकेट को रिकवर करने के लिए आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या जरूरत है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, विच इज अ नॉट सो आइडियल फॉर द डिजाइन ऑफ अ मैक लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्योर अनस्लॉटेड जो हमने अभी पढ़ा है वो हम कहते हैं वो हमारे पास है स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो ये हमारे पास है अनस्लॉटेड अलोहा। अनस्लॉटेड अलोहा जो है वो सिंपल है, इसके अंदर आपको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही फ्रेम आता है आपने क्या करना है, फ्रेम को इमिडिएटली ट्रांसमिट कर देना है। ठीक है, पहले हमारे पास स्लॉटेड अनस्लॉटेड अलोहा था, प्योर अलोहा ये था, फिर उसके बाद स्लॉटेड अलोहा को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अनस्लॉटेड अलोहा क्या करता है कि लेट्स सपोज ये नोड 1 है, ठीक है, इसी तरह से ये नोड 2 है, नोड 1 के पास पैकेट है तो जैसे ही इसने देखा इसके पास पैकेट है इसने फौरन इसको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से नोड 2 के पास पैकेट था, नोड 2 ने भी विदाउट एनी रेकी ऑफ द मीडियम इसने क्या किया, अपना डेटा इमीडिएटली सेंड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जाहिर सी बात है आप आगे देख ही कुछ नहीं रहे कि मीडियम के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है जब आप डेटा सेंड करेंगे तो देर आर चांसेस, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि आपकी कोलिजन जो है वो हो सकती है। ठीक है, फ्रेम सेंट एट टी इज इक्वल टू 0 कोलाइड विद अदर फ्रेम सेंट एट t0-1 और t+1, इसके पहले सेंड किया या इसके बाद सेंड किया आपने, कहीं पे भी आपका डेटा जो है वो कोलाइड कर सकता है। सो एफिशिएंसी इज लेस देन स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, इसीलिए इसके बाद जो है वो स्लॉटेड अलोहा को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि वो उसकी एफिशिएंसी बेहतर थी अनस्लॉटेड अलोहा से। ठीक, तीसरा हमारे पास जो प्रोटोकॉल है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, वो हमारे पास है CSMA विच इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब कैरियर सेंस से हमें पता चल रहा है कि इससे पहले क्या होगा कि चैनल में डेटा सेंड करने से पहले चैनल को सेंस किया जाएगा। ठीक है, कि वो आइडल है कि नहीं। CSMA CA listen before transmit, so it listens to the channel before transmission. If channel is sense idle, it transmit the entire frame. If channel is sense busy, it defer from transmission. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इंसान अगर जो human क्या कहते हैं हम उसको talking etiquettes हैं ह्यूमन बींग्स के, वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बंदा ऑलरेडी महफिल में बोल रहा है तो आपने उस वक्त नहीं बोलना, जब सारे खामोश होंगे तो आप अपना पॉइंट रखेंगे। इसी तरीके से CSMA भी बिहेव करता है कि वो पहले सेंस करता है कि आपका जो चैनल है वो आइडल है, उसमें कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, अगर ट्रांसमिट हो रहा होगा तो वो अपनी जो डाटा है उसको सेंड नहीं करेगा। ठीक है, कोलिजन CSMA में कोलिजन कैसे होती है, कोलिजन फिर भी हो सकती है, हालांकि आपने डिटेक्ट करके अपने चैनल को सेंस करके अपना डेटा सेंड किया, लेकिन देयर आर स्टिल अ पॉसिबिलिटी के आपका जो डेटा है वो
कोलाइड हो सके, ठीक है। जैसे कि आपके महफिल में दो लोग हैं जो अपना पॉइंट बताना चाह रहे हैं, तो क्या हो सकता है वो दोनों आप वेट कर रहे हो कि चैनल जो है वो आइडल हो जाए। जैसे ही चैनल चैनल आइडल होगा तो वो फौरन अपना डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि दोनों एट द सेम टाइम चैनल को सेंड कर रहे थे तो दोनों के दोबारा डेटा कोलाइड हो जाएगा, ठीक। सो प्रोपगेशन डिले मीन्स टू नोड मे नॉट हेयर ईच अदर ट्रांसमिशन। सो हमारे पास क्या हो सकता है कि दो नोड, जैसे कि ये एक नोड है, ठीक है, और ये दूसरी नोड है, इन दोनों को अपना व्यू क्लियर नहीं है कि ये क्या जो इनका चैनल है वो एक्सेसिबल है इनके लिए इस वक्त के नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चैनल को एक्सेस किया, दोनों को चैनल एक्सेस जो सेंड की इन्होंने वो इनको फ्री लगी, इन्होंने डाटा सेंड कर दिया, ठीक। लेकिन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा कि हमारे पास कोलिजन होंगी, एंटायर पैकेट ट्रांसमिशन टाइम इज वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन। सो ये हमारे पास एक इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे CSMA या हम जब बात कर रहे हैं शेयर्ड मीडियम की, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है जिसे हम कहते हैं हिडन नोड प्रॉब्लम या हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, ठीक है। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास लेट सपोज एक नोड है ए और एक नोड है बी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों एक यहाँ पे हम कहते हैं एपी एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, कोई वायरलेस का राउटर पड़ा हुआ है, ये दोनों इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। तो जब ए एक्सेस कर रहा है बी को एपी को, उसी टाइम अगर बी एक्सेस करेगा एपी को तो इधर क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। क्यों कोलिजन होगी, क्योंकि ए के लिए ये जो एक्सेस पॉइंट है वो विजिबल है, ए के लिए बी विजिबल नहीं है। ए समझ रहा है कि मैं अकेला हूं इस पूरी टेरिटरी के अंदर जिसने एपी को डाटा सेंड करना है, इसी तरह से बी भी समझ रहा है कि मैं अकेला हूं जिसने इस एपी को डाटा सेंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए ए के लिए बी हिडन है और बी के लिए ए हिडन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। तो हिडन नोड या हिडन टर्मिनल का प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी नोड देख नहीं पाती कि कोई और भी डाटा सेंड कर रहा है कि नहीं। उसका सोल्यूशन क्या होता है, आरटीएस सीटीएस का मैकेनिज्म। एक हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन भेजते हैं, RTS is ready to send and CTS is clear to send, ठीक है, CTS, ठीक है, clear to send, RTS is ready to send। जिस नोड ने डेटा सेंड करना होता है वो पहले जो रिसीवर होता है वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है जिसको कहा जाता है RTS, ठीक है। RTS क्या है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जो कि सेंड किया जाता है। जब एपी इसको रिसीव करेगा तो एपी इसे, अगर कोई और इसको सेंड नहीं कर रहा होगा इसको, तो एपी क्या कहेगा, इसे एक सीटीएस का मैसेज भेजेगा कि मैं क्लियर हूं तो मुझे डाटा सेंड करो, ठीक। तो जब इसको सीटीएस रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, ये अपना डाटा सेंड कर देगा, तो अब कोलिजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम है कि जब आपकी एक नोड होती है तो ट्रांसमिशन नहीं, कोई भी आपकी कोलिजन के चांसेस नहीं होते। लेकिन जैसे ही आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो आपके पास कोलिजन भी, कोलिजन की चांस या प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। CSMA CD क्या है, कोलिजन डिटेक्शन है, ठीक। अब कोलिजन डिटेक्शन क्या है कि कैरियर सेंसिंग या आपका जो डेफरल है एज इन CSMA, डेफरल का मतलब क्या है कि जो वो रुक जाता है अपना डेटा सेंड करने के लिए, अगर कोई और डेटा सेंड कर रहा है तो वो डेफर हो जाता है, वो पीछे हट जाता है अपना डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। सो कोलिजन डिटेक्टेड विद इन द शॉर्ट टाइम एंड कोलाइडिंग ट्रांसमिशन अबॉर्टेड रिड्यूसिंग चैनल वेस्टेज। अगर कोई डाटा कोलाइड कर रहा होता है तो वो ट्रांसमिशन रोक दी जाती है। कोलिजन डिटेक्ट कैसे की जाती है, इट इज इजी इन वाइड लैन, ठीक है। मैयर सिग्नल स्ट्रेंथ कंपेयर ट्रांसमिटेड जो और रिसीव्ड सिग्नल होते हैं उनकी, जब हम स्ट्रेंथ को मैयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो चैनल है वो उसके अंदर कोलिजन हो गई है, ठीक है। लेकिन ये हम वायरलेस मीडियम के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कोलिजन डिटेक्ट हो पाती है लेकिन अवॉइड नहीं हो पाती, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट वायरलेस डिटेक्शन इन वायरलेस लैन, रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ ओवरवेलम्ड बाय द लोकल ट्रांसमिशन स्ट्रेंथ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास शेयर्ड मीडियम है तो इसके अंदर जो आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ह्यूमन एनालॉजी इज द पोलाइट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो जो पोलाइट कॉन्वर्सेशनलिस्ट होता है उसकी जो आपकी कॉन्वर्सेशन है उसको डिटेक्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो टेकिंग टर्न इज द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल। सो हमारे पास क्या है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनल पार्टिशनिंग रैंडम एक्सेस के बाद हमारे पास टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल है।
टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली, कि हमारे पास एक नोड होती है जिसे हम कहते हैं ये मास्टर नोड है। मास्टर नोड क्या कहती है, ये अपनी स्लेव नोड को इनवाइट करती है कि अब तुम डेटा सेंड करो, अब तुम डेटा सेंड करो, ठीक है। मास्टर नोड इनवाइट द स्लेव नोड टू ट्रांसमिट इन टर्न, टिपिकली यूज विद द डंप स्लेव डिवाइसेस, कंसर्न्स पोलिंग ओवरहेड, लेटेंसी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जब पोलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है वो जो टर्न दे रही है उसके लिए भी ये चैनल एक्सेस हो रहा होगा, चैनल की लेटेंसी भी कम हो जाएगी और आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब ये अगर मास्टर नोड ब्रेक हो जाती है या इसको आपने हटा दिया तो उसकी वजह से कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। पोल होता है, इसने पोल किया, पहले इसकी डेटा सेंड करने की बारी आई, फिर इसने पोल किया तो अब इसकी बारी आई, अब ये डेटा सेंड करेगा, फिर दोबारा पोल होगी तो अगला जिसकी टर्न आएगी वो डेटा सेंड करेगा। सो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर हु टेल्स नोड स्लेव नोड हु विल सेंड डेटा नेक्स्ट, ठीक है। फिर हमारे पास है टेकिंग टर्न में, ये थी हमारे पास पोलिंग, ठीक है, पोलिंग के थ्रू। और एक और हमारे पास है प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं टोकन पासिंग। टोकन पासिंग में क्या है, एक कंट्रोल टोकन होता है जो कि एक नोड से दूसरी नोड को सीक्वेंशली पास किया जाता है। इसके पास ही तो अब ये इसको भेजेगा, ठीक है, इसके पास था तो सीक्वेंस में अगले को भेज दिया जाएगा। इससे क्या होता है आपके पास कि एक तो आपका जो टोकन का ओवरहेड है वो बढ़ जाएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, और दोबारा से अगर आपने जो टोकन जनरेट करने वाली नोड अगर वही, लेट्स सपोज इसके पास टोकन था, यही ब्रेक हो गई, ठीक है, यही नोड जो है वो क्रैश हो गई, तो क्या होगा आपके पास इसका टोकन इसके पास आएगा ही नहीं, तो आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जिसके पास टोकन है वो डेटा सेंड करेगी, टोकन इसके पास आया, इट हैज नथिंग टू सेंड, बट इट विल यूटिलाइज द टाइम, इट विल सेंड टोकन टू द नेक्स्ट नोड, इट हैज डेटा सो इट विल ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। सो अब जिसके पास डेटा है जब तक उसके पास टोकन नहीं आता वो अपना जो डेटा है वो सेंड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल प्रोटोकॉल्स विच आर मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।